लक्सर में भारतीय रमाबाई अंबेडकर महासभा की विशाल बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों संगठन कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनुस्वरूप ने मंच पर संबोधन करते हुए कहा कि कुछ लोग इस संगठन को एक राजनैतिक संगठन मान रहे हैं। मैं एक बात साफ कह देती हूं कि ये संगठन राजनैतिक नहीं है, ये पूरी तरह से अराजनैतिक संगठन है जो समाज के गरीब और सरकार के नुमाइंदों के कानों तक गरीबों की आवाज पहुंचाकर उनकी परेशानी से उन्हें अवगत करवाता है, ताकि सरकार उनके लिए कुछ अहम फैसले लेकर उनकी समस्याओं को समझकर उनके हित के लिए काम करे। छात्रवृत्ति घोटाले पर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने जांच को प्रभावित करने के लिए जांच अधिकारी तक को बदलने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए जांच अधिकारी को बदलने पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि इसमें भी भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चाहिए कि दलितों से जुड़े मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए जांच को जल्द पूरा कर दोषियों को सजा दिलवाने का काम करे। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी भी दी, अगर छात्रवृत्ति घोटाले पर सरकार ने जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की तो रमाबाई अंबेडकर महासभा सड़कों पर आएगी और विधानसभा के घेराव तक से भी पीछे नहीं हटेगी। हरिद्वार से अरुण कश्यप की रिपोर्ट। संगठन है जो कि घन है और इसे किसी भी तरह से राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। काफ़ी लोग इसे राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, पर मैं उन्हें बिल्कुल साफ स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक सामाजिक संगठन है, बिल्कुल ही सामाजिक मुद्दों के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अन्याय हो रहे हैं शोषित पीड़ित लोगों पर, और चाहे वो किसी के तरफ से भी हो, चाहे वो आज सरकार में बैठे कुर्सियों पर बैठे हुए नेताओं से या प्रशासन से क्यों ना हो, ये जो संगठन है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लोगों की आवाज़ बनकर सरकार तक पहुँचा रहा है, ताकि उनके जो कान बंद हो चुके हैं, जो कोई उन्हें सुनाई और दिखाई नहीं दे रही लोगों की समस्याएं, वो कुछ सुनाई दें और वो कुछ एक्शन लें। नहीं तो अब ये है कि हमारे संगठन के साथ इतने जनता जुड़ रही है, हर समाज से जुड़ रही है, हर वर्ग से जुड़ रही है, तो इसका जो खामियाजा है सरकार को भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनावों में।